आज हम आपको खेसारी लाल यादव के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव का जन्म 8 अगस्त 1986 में बिहार के छपरा जिले में हुआ। वे एक बहुत गरीब परिवार से थे और उनके पिताजी एक किसान थे जो कि घर का पूरा खर्चा अकेले ही चलाया करते थे। खेसारी लाल यादव को बचपन से ही कुछ करने का सपना था। आज खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सलमान खान जैसे माने जाते हैं। खेसारी लाल यादव वे कलाकार हैं जो बहुत कम समय में सबको पीछे छोड़ आज वे सुपरस्टार बन गए। एक पल ऐसा भी था कि लोग खेसारी लाल यादव को देखना भी पसंद नहीं करते थे, मगर आज वे दिन है जो खेसारी लाल यादव को देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग तरसते हैं। और अब हम आपको बताते हैं खेसारी लाल यादव कैसे इतने बड़े सुपरस्टार बने। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव बचपन से ही एक बड़े सिंगर बनना चाहते थे। फिर वे अलग अलग जगहों पर जाकर स्टेज शो करने लगे। तभी एक दिन खेसारी लाल ने अपने पिताजी से 12,000 रुपये मांगे। जब पिताजी ने उनसे पूछा कि बेटे इतने पैसे क्या होगा, तो खेसारी लाल ने बताया, पिताजी मैं चाहता हूँ कि अपने गाने का एक कैसेट निकालूं। पिताजी ने उनको पैसे दे तो दिए, मगर उस समय खेसारी लाल यादव की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वे कैसेट फ्लॉप हो गई। उसके बाद खेसारी लाल बहुत दुखी हो गए। उनको लगता था कि वे कभी भी बड़ा सिंगर नहीं बन सकते हैं। और फिर वे दिल्ली के ओखला में आ गए और वहाँ पर अपने पिता के साथ लिट्टी चोखा का दुकान खोल लिया। और कुछ दिनों के बाद खेसारी लाल ने एक फैक्ट्री में धागा काटने का काम किया और फिर वे शादी के बंधन में बंध गए। और एक दिन अचानक से उनके दिमाग में आया, शायद मुझे एक बार और सिंगर बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। और फिर से खेसारी लाल यादव ने अपने पिता से 15,000 रुपये मांगे और पिताजी ने इस बार बिना कोई सवाल किए पैसे दे तो दिए। और फिर से खेसारी लाल यादव ने कैसेट निकाला और इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वे कैसेट सुपर हिट हो गई, जिससे उनको काफ़ी लोग पसंद करने लगे। और उसी कैसेट से वे जान चुके थे कि अब वे एक बड़े सिंगर बन जाएंगे। फिर क्या था, उन्होंने एक से बढ़कर एक कैसेट निकाली और लोगों को उनकी कैसेट खूब पसंद आने लगी, जिसके बाद खेसारी लाल यादव को पूरा हिंदुस्तान जानने लगा। और तो और, सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब उनको भोजपुरी फिल्म में आने का न्योता मिला। पहली फिल्म साजन चले ससुराल, उस फिल्म में खेसारी लाल यादव ने ऐसा तहलका मचाया कि वे लोगों के दिलों में बस गए। फिर खेसारी लाल यादव के ज़िंदगी में एक ऐसी फिल्म आई जो खेसारी लाल यादव को फिल्मों का भी सुपरस्टार बना दिया। साल 2012 में आई फिल्म ए बलमा बिहार वाला फिल्म सुपरहिट रही। फिर क्या था, उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्म सुपरहिट होती रही और यही कारण है कि आज खेसारी लाल यादव पूरे हिंदुस्तान के दिलों में राज कर रहे हैं।